सब इसी का नाम, आदम ब्रिज, धनुष कोड़ी, राम सेतु, इसके आगे छोटे छोटे द्वीप है सब, इनको हम पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर राम जी ने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था। तो हेल जाइएगा, आप डूबिएगा नहीं, इतने पानी है संगे की राम सेतु में अभी भी। यह श्रीलंका, ये भी पहले किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। 1948 में ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये श्रीलंका भारत से क्या हुआ है, सटा हुआ है। आप तो इसको आराम से इस नक्शा में देख ही सकते हैं, भारत से क्या है, सटा हुआ है। तो श्रीलंका भारत से क्या है, सटा हुआ है। ये है आपका पंबन द्वीप, धनुषकोडी या नाम से छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, इसका नाम है पंबन द्वीप। इसी को हम लोग धनुष सेतु, धनुषकोडी या फिर राम सेतु, अंग्रेजी में आदम ब्रिज, सब इसी का नाम, आदम ब्रिज, धनुषकोडी, राम सेतु, सब इसी का नाम है। भारत से ये क्या हुआ है, सटा हुआ है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर इसके पास जाइए, जब यहाँ से जाएंगे ना तो ये रामेश्वरम आता है। रामेश्वरम तक आपको क्या मिलेगी, जमीन मिलेगी। भारत का यह एरिया जैसे देखिए, यहाँ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जमीन मिलेगी, कहाँ तक जमीन मिलेगी, रामेश्वरम। और रामेश्वरम के बाद क्या चालू हो जाएगा, द्वीप। और द्वीप के बाद इधर क्या मिलेगा, श्रीलंका। तो मुख्य जमीन कहाँ तक मिलेगी, रामेश्वरम तक। तो ये जमीन क्या है, रामेश्वरम। मंदिरों का गलियारा किसे कहते हैं, रामेश्वरम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, इसके आगे छोटे छोटे द्वीप है सब, इनको हम पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर राम जी ने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था, समझ आ गया कि नहीं गया। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आदम ब्रिज। क्या कहेंगे, आदम ब्रिज। किसी को दिक्कत, अब इसके बाद क्या चालू होगा, श्रीलंका। जाने के टाइम पे सबसे पहले श्रीलंका का जो आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड का नाम है मन्नार द्वीप। क्या है, मन्नार। तो श्रीलंका में इधर से सबसे फेमस मन्नार और इधर से रामेश्वरम। तो मन्नार और रामेश्वरम के बीच में राम सेतु। क्या है, राम। वो अभी भी उथला जगह है, उसको हेल जाइएगा, आप डूबिएगा नहीं, इतने पानी है समझ में आ गया कि राम सेतु में अभी भी उसके अवशेष कहाँ है, नीचे बचे हुए हैं, राम सेतु के अवशेष वहां पर। तो वहां पे क्या हुआ है, नीचे इस बीच से जहाज नहीं जा पाती, ये देखेंगे तो इसके बीच से पानी वाली जहाज नहीं जा पाती, क्योंकि गहराई ज्यादा नहीं है वहां पर, गहराई ज्यादा ना होने की वजह से जहाजे नहीं जा पाती। आगे बढ़ जाएं तो ये द्वीप का नाम कौन सा है, मन्नार, जिस वजह से इसके नीचे की खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। और ऊपर एक अंग्रेज था, खोजने आया था, उसका नाम था एडमिन पार्क, तो इसके नाम पर पाक की खाड़ी। तो बताइए, श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी।